तो गैस इस हमारा जो लैपटॉप है और इस हमारा जो मोबाइल है, तो मोबाइल को हमें लैपटॉप में कनेक्ट करना है यूएसबी केबल से। तो आपको जो चार्जिंग का केबल है, टाइप सी केबल होता है, यूएसबी केबल होता है, तो आपको किसी भी केबल से मोबाइल को लैपटॉप में आसान तरीके कनेक्ट कर सकते हो। तो गैस हमारा कई सारे मोबाइल में यानी कि लैपटॉप में डेटा होता है, तो आपको डेटा को ट्रांसफ़र करना है तो मोबाइल को कनेक्ट करके डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो चलो मैं सबसे पहले मोबाइल को आपको लैपटॉप में कैसे कनेक्ट करना है वही मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो गैस इस हमारा जो लैपटॉप है और इस जो एंड्रॉयड मोबाइल है, तो हमें सबसे पहले जो केबल है वही हमें लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट है तो उसमें हम कनेक्ट करते हैं। तो आपको इस तरह लैपटॉप में यूएसबी पोर्ट में केबल को लगाना है यानी कि उसमें अटैच करना है। तो चलो मैंने जो केबल है वही मैंने सही से कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद आपको इस केबल को मोबाइल में लगाना है। तो गैस अभी देख लीजिए कि हमारा लैपटॉप में अभी कोई मोबाइल कनेक्ट नहीं है, तो वही मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो चलो जो केबल है वही मैं मोबाइल के साथ लगा देता हूँ। तो गैस आपको इस तरह किसी भी यूएसबी केबल है, टाइप सी केबल है, किसी भी केबल को आपको मोबाइल में लगा सकते हो। यानी कि जो चार्जिंग का केबल है वही मैं मोबाइल में कनेक्ट कर रहा हूँ। और कनेक्ट करने के बाद गैस स्क्रीन पे देख लीजिए कि चले हम लैपटॉप में देखते हैं कि हमारा मोबाइल कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको चेक करने के लिए लैपटॉप में जो माई कंप्यूटर है वही आपको ओपन करना है। तो चलिए अभी देख लीजिए कि माई कंप्यूटर है वही मैं ओपन कर देता हूँ। और ओपन करने के बाद स्क्रीन पे देख लीजिए कि अभी हमारा मोबाइल है वही हमारा लैपटॉप में कनेक्ट नहीं हुआ है। तो गैस आपको एक मोबाइल में सेटिंग करना पड़ता है तभी आपका मोबाइल है वही आपको लैपटॉप में शो कर सकते हो। कई सारे मोबाइल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है लेकिन कुछ मोबाइल उसमें आपको सेटिंग करना पड़ता है। तो गैस आपको जो भी मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल के नोटिफिकेशन है उसमें आपको एक यूएसबी का ऑप्शन है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो चलो मैं यूएसबी कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद गैस स्क्रीन पर देख लीजिए कि उसमें कई सारे ऑप्शन है वही आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ट्रांसफ़र फाइल है तो आपको ट्रांसफ़र फाइल पे क्लिक करना है। तो कई सारे मोबाइल में चार्जिंग का ओनली पोर्ट सिलेक्ट होता है इसलिए मोबाइल शो नहीं होता है। तो चलो मीडिया वाला ऑप्शन है तो वही मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो आपको मोबाइल में मीडिया वाला ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद गैस स्क्रीन पर देख लीजिए कि हमारा मोबाइल है वही हमारा सही से लैपटॉप में कनेक्टेड हो गया है। तो आपको इस तरह ऑप्शन को सिलेक्ट करके मोबाइल को लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो। तो गैस हमारा सही से कनेक्ट हो गया है और उसमें इंटरनल स्टोरेज है वही हमारा देखने को मिल रहा है। तो चलिए उसको मैं ओपन करता हूँ क्योंकि हमारा मोबाइल में कई सारे फोल्डर है यानी कि उसमें फोटोज वीडियो सॉन्ग है वही आपको देखना है। तो आपको फोल्डर को ओपन करके उसमें चेकआउट कर सकते हो। तो अभी देख लीजिए कि हमारा इंटरनल स्टोरेज में कई सारे फोल्डर है मोबाइल में वही हमारा देखने को मिल रहा है। तो आपको आसान करके मोबाइल को लैपटॉप में कनेक्ट कर सकते हो। तो चले हम आ जाते हैं बैक, और बैक करने के बाद चले मैं फिर से जो भी हमने मोबाइल को लैपटॉप में कनेक्ट किया है तो उसको मैं डिसकनेक्ट करना है। तो आपको यूएसबी केबल कनेक्ट किया है वही आपको लैपटॉप से हटाना है। तो चलो मैं जो हटा देता हूँ, तो जो भी हमारा मोबाइल है वही हमारा लैपटॉप से डिसकनेक्टेड हो गया है। तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, लेकिन हमें फिर से लगाना है। तो चल मैं केबल को लैपटॉप में फिर से अटैच कर देता हूँ यानी कि कनेक्ट कर देता हूँ, तो हमारा मोबाइल है वही हमारा लैपटॉप में कनेक्टेड हो जाएगा। लेकिन कई सारे मोबाइल डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है लेकिन आपका मोबाइल कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो आपको मोबाइल के नोटिफिकेशन में उसमें कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे यूएसबी का, जो भी आपको चार्जिंग का सिलेक्ट करते हैं यानी कि आपको मीडिया वाला ऑप्शन है वही आपको सिलेक्ट करना है। कुछ मोबाइल में ट्रांसफ़र फाइल का ऑप्शन आता है तो वही आपको सिलेक्ट करना है। तो चल मैंने सिलेक्ट कर दिया है, और सिलेक्ट करने के बाद गैस स्क्रीन पर देख लीजिए कि हमारा मोबाइल है वही हमारा लैपटॉप में कनेक्टेड हो गया है। तो आपको आसान करके मोबाइल को लैपटॉप में कनेक्ट करके यूज कर सकते हो। तो गाइस जो जितना प्रोसेस था वही मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट बता दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर करना। तो चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।